इजी जेट, ये ट्रेन सर्विस है, लोकल ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। तो आज के व्लॉग में मैं वापस घर जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी टंडी से, क्योंकि मेरी टंडी प्लेसमेंट थी, तो पूरा 1 मंथ मैंने टंडी में गुजारा होटल में। तो वहाँ से मैं वापस क्लास को आया हूँ अपने अंकल के घर, वहाँ से मैंने अपना लगेज वगैरह सब कुछ उठाया। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस लंदन, लंदन स्टैनसर्ड एयरपोर्ट पे अराइवल है। तो अभी मैं ग्लासगो एयरपोर्ट पेजले में हूँ, ये ग्लासगो एयरपोर्ट है पेजले का, छोटा सा एयरपोर्ट है ये ग्लासगो के अंदर, बट जो लंदन में है, लंदन में सबसे ज़्यादा बिजी हीथरो है, उसके अंदर 5 to 6 टर्मिनल्स हैं हीथरो के, उसके बाद गेटवे का है, स्टैनसर्ड है, और डिफरेंट 6 एयरपोर्ट्स हैं लंदन के अंदर। तो आज फ्लाइट है मेरी ग्लासगो टू लंदन, फ्रॉम ग्लासगो पेज ले टू लंदन स्टैनसर्ड एयरपोर्ट, वहाँ से ट्रेन लेके सीधा घर, क्योंकि घर की भी ट्रेन आगे 3 घंटे की है। तो आज के लोग में आपको मैं ये भी बताऊँगा, और जो नेक्स्ट लोगों को उसमें मैं शेयर करूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी के अंदर मैंने पेशेंट अपनी जो प्लेसमेंट है उसके ड्यूरेशन में मैंने आप क्या कौन कौन से किस किस तरह के पेशेंट चेक किए, पेशेंट चेक करके खुद बंदा पेशेंट हो जाता है। एक न्यू पेशेंट फर्स्ट टाइम जो देखा था वो था सिरिंज ड्राइवर वाला, उसको कंट्रोल ड्रग्स दे रहे थे, मॉर्फिन सिरिंज लगी हुई थी एक, उसके अंदर क्या कहते 7 मशीन के अंदर अटैच थी, थोड़े थोड़े वॉल्यूम के अंदर ना उसको ट्रांसफ़र हो रही थी उसकी बॉडी में। और कुछ इस तरह के पेशेंट चेक किए जिनकी इंसुलिन पेशेंट थे, यानी कि डायबिटीज़ पेशेंट थे, उनको इंसुलिन देते थे हम सुबह जाके उनके घर, तो वो टोटली डिफरेंट किस्म के थे, उनकी जो ब्लड शुगर लेवल थी, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो मशीन के अंदर आती नहीं थी, यानी कि फास्टिंग में भी उनकी इतनी हाई शुगर होती थी अबव देन 30, तो उनको किस तरह डील करना, उनकी क्या डाइट थी, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, 4:25 टाइम हो रहा है, तो जो फ्लाइट है 6:25 पे क्या कहते हैं चेक इन है, उसके बाद 1 hour 15 minutes की फ्लाइट है। तो खैर खैर ये सब फिर इंशाल्लाह तला कर, तो उसके बाद आपके साथ व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। इस वजह से व्लॉग्स भी नहीं मैं बनाता रहा, क्योंकि प्लेसमेंट पे था, वहाँ पर फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते थे ड्यूरिंग प्लेसमेंट, सो डैट्स वाई 1 month कोई वीडियो अपलोड नहीं, सॉरी फॉर डैट। तो ये सिक्योरिटी चेकिंग एरिया, यहाँ से फ्री होके नेक्स्ट आगे फॉर्म कंटिन्यू करूँगा। तो सिक्योरिटी चेकिंग एरिया हो गया क्लियर, तो ये है ड्यूटी फ्री एरिया एयरपोर्ट में, यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, YSL, एनकॉम, डायोल, कैल्विन क्लाइन, अरमानी, गुच्ची, प्राडा, सब ब्रांड्स हैं यहाँ पे मोस्टली। तो यहाँ पे एक तो सेल लगी हुई up to 40% और या फिर 30% तक ऑफ है, और सब ड्यूटी फ्री है, यानी कि टैक्स किसी पे भी नहीं लगा हुआ। तो मुझे यहाँ पे करनी पड़ी थी वीडियो पॉज, यानी कि साउंड रिमूव करके दोबारा ऐड करना पड़ा बिकॉज साउंड लगा हुआ था, उस वजह से फिर क्लेम हो जाता है, कॉपीराइट क्लेम। सब ईच एंड एवरीथिंग पे सेल है, बस अच्छे शनैल ईच एंड एवरीथिंग। आगे वॉच एरिया, वॉचेज एरिया और ग्लासेस एरिया, सनग्लासेस। पिज़्ज़ा पास्ता सब हमारा गेट है 27:36। स्टैनसर्ड गेट विल बी डिस्प्लेड एट 6:20। तो अभी टाइम काफ़ी पड़ा, आराम से बैठ जाते हैं। तब तक बैठते हैं जब तक गेट डिस्प्ले नहीं होता, उसके बाद बैठना क्या जाओगे, ट्रेनर्स देख लेते हैं।
गेट नंबर 8128। मैं बैठ के वीडियो कंटिन्यू करूँगा, फिर यहाँ आगे अलाउ नहीं होगा। इजी जेट, ये प्लेन सर्विस है, लोकल प्लेन। हो चुका है तो अराउंड अबाउट 45 to 55 मिनट की फ़्लाइट है। तो अब बिफोर अराइवल दोबारा भी लोग कंटिन्यू करूँगा अराउंड अबाउट 5 to 10 मिनट्स पहले। तो स्टे ट्यून विद मी। स्टैटफोर्ड बस सिटी बस स्टेशन है, यहाँ से बस लेनी पड़ेगी मुझे 2:38। वेस्टफील शॉपिंग मॉल है, आज तो इतना बिजी नहीं है, वीकेंड में तो फुल होता है मॉल पूरा। बस ऐसे ही आपको थोड़ा सा दिखाना था मॉल और कुछ नहीं। तो यहाँ भी होता व्लॉग आज का एंड, क्योंकि अब यहाँ से सीधा मैं 2:38 बस लूँगा और सीधा घर जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।